सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और न्यू प्रॉब्लम के बारे में। जैसे गाइस, आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को कहीं पे भी लॉगिन करते हो, या फिर फ्री फायर में, या फिर BGMI में, या फिर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करते हो, तो गाइस आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इधर प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखो मिल जाता है। तो देखो, अगर आपको भी ये स्टेप से अगर प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त, या फिर किसी भी गेम के अंदर लॉगिन करने के टाइम पे आप लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर न्यू पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो गाइस देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो करो। सबसे पहले गाइस इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गाइस आप लोगों को अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता होगा, तो आप लोगों को जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फेसबुक आईडी को ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग अपना पासवर्ड को यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। पासवर्ड निकालने के बाद गाइस आप लोग क्या करो, अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लो, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन करो। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर जो फेसबुक एप्लीकेशन देखो मिलता है, यही एप्लीकेशन को आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। जो फेसबुक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यही यूज करना है, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, दो स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना कि आप लोग इसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। आप लोग क्या करना, फेसबुक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी ईरर बग होगा ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फेसबुक आईडी को अनइंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे मैं फेसबुक आईडी को दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कैसे मैं आप लोग को बोल रहा था कि आप लोग को फेसबुक आईडी का आईडी पास जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देख के अगर आप लोग चले गए उसको ठीक करने के लिए, तो मैं आप लोग को बता दूँ, फिर आप लोग दिक्कत करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फेसबुक को कुछ स्टेप से आप लोग क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ आपको सेम इसी टाइप से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इतना देखने के बाद आप लोग फटाफट से जाके अनइंस्टॉल मत कर देना, क्योंकि आगे काफी सा और बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का फेसबुक कुछ स्टेप से इंस्टॉल करना स्टार्ट हो चुका है और कुछ देर वेट करने के बाद फेसबुक यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे फेसबुक इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये आपके अकाउंट के अंदर, मतलब ये फोन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फेसबुक आईडी आने के बाद, यानी कि फेसबुक आने के बाद सिंपल से यहाँ पे क्या करना, फेसबुक को ओपन कर लेना, ठीक है। फेसबुक को जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे, तो कुछ स्टेप से फेसबुक आईडी आपका ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे लॉगिन करने के लिए भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे आप लोग क्या करना, अपना जो फेसबुक आईडी है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फेसबुक आईडी क्या हुआ, लॉगिन हो चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद जो भी एक्सेस मांग रहा है, एक्सेस आपको दे देना है, ठीक है। सारा एक्सेस देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फेसबुक को इसे दाब के करना है, ऐप इन्फो में जाना है, ठीक है। ऐप इन्फो में जाने के बाद आप लोगों को ना यहाँ पे एक ऑप्शन करना है, फोर्स स्टॉप कर देना है इसको, ठीक है। इतना ही कर देना है, बस आपको इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन के अंदर लिंक करना चाहते हो या फिर लॉगिन करना चाहते हो, जैसे कि हो गया फेसबुक, हो गया BGMI, हो गया जिसके अंदर भी लॉगिन करना चाहते हो, उसको ओपन करना है। जैसे कि देखो, ये मेरा फेसबुक मतलब फ्री फायर अकाउंट है, उसको ऐसे दाब के करना, देन इसको ऐप इन्फो पे जाना, देन यहाँ पे स्टोरेज पे जाना, देन यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा डिलीट कर देना है बस उसका, जिसका लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को फ्री फायर में लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर दिया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फ्री फायर आईडी को ओपन कर लेना, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे भी लॉगिन करना चाहते हो, उस एप्लीकेशन का क्लियर ऑल डाटा कर देना, ठीक है। क्लियर कैच, क्लियर ऑल डाटा कर देना। इतना करने के बाद यहाँ पे दोबारा से इसको ओपन करना, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दोबारा से मैं इसको ओपन करूँगा, तो कुछ इस टाइप से देखो, यहाँ पे ये ओपन होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लॉगिन पेज जो होता है वो मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखो, कुछ इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे लॉगिन पेज आ चुका है, जहाँ पे गाइस आप लोगों को जीमेल अकाउंट जो भी होता है, ठीक है, उससे आप लोग को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। तो फेसबुक पे लॉगआउट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो भाई लॉगआउट हो जा, तो लॉगआउट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो पहले एक बार यहाँ पे लॉगआउट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है।
लॉगआउट करने के बाद देखो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी पहले लॉगिन कर लिया था इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइनिंग विथ फेसबुक आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ स्टेप से देखो यहाँ पे लॉगिन लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको लॉगआउट कर दिया, ठीक है। लॉगआउट करने के बाद यहाँ पे खुद आप लोग स्क्रीन पे देखो लाइव प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे साइनिंग विद फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये साइनिंग हो रहा है, और साइनिंग होकर यहाँ पे मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इजीली ओपन भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर से कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।